तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरब में, और लेके आ गया हूँ मैं आज मीडियाटेक हीलियो G85 और स्नैपड्रैगन 730G के बीच का कंपैरिजन वीडियो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं मीडियाटेक हीलियो G85 और स्नैपड्रैगन 730G के बीच के कंपैरिजन के बारे में। तो मीडियाटेक अपना जो हीलियो G85 वाला जो चिपसेट है, जो कि G70 और G80 का सक्सेसर होगा, उसको लॉन्च कर दिया है। और स्नैपड्रैगन का जो 730G वाला चिपसेट है वो तो पहले ही लॉन्च हो चुका था, रेडमी नोट 8 जो स्मार्टफोन है उसमें दिया गया था। तो बात करते हैं दोनों ही चिपसेट के सीपीयू के बारे में। तो मीडियाटेक हीलियो G85 वाला जो चिपसेट है उसमें आपको दो कोर्टेक्स कोर A75 दिया गया है जो 2.0 GHz पर बेस्ड है, और इसमें आपको 6 कोर्टेक्स A55 दिया गया है जो कि 1.8 GHz पर बेस्ड है। एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 730G की बात करें तो उसमें आपको दो कोर्टेक्स A76 दिया गया है जो कि 2.2 GHz पर बेस्ड है, और 6 कोर्टेक्स A55 दिया गया है जो कि 1.8 GHz पर बेस्ड है। और दोनों ही जो चिपसेट है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और मीडियाटेक हीलियो G85 वाला चिपसेट वो 12 nm पर बेस्ड है, लेकिन ये जो स्नैपड्रैगन 730G वाला जो प्रोसेसर है ये 8 nm पर बेस्ड है। और इसका जो एंटीटू स्कोर की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G85 वाला चिपसेट है उसको 2,05,946 का स्कोर दिया गया है, जबकि ये जो स्नैपड्रैगन 730G की बात करें तो इसको 2,59,109 का स्कोर दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मीडियाटेक का जो हीलियो G85 वाला सीपीयू है वो थोड़ा कम है स्नैपड्रैगन 730G के कंपैरिजन में। तो गाइस बात करते हैं जीपीयू के बारे में। तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको माली G52 MP2 वाला जो जीपीयू है वो दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 GHz पर बेस्ड है। और वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G के बारे में तो उसमें आपको आर्डिनो का 618 वाला जो जीपीयू है वो दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.2 GHz पर बेस्ड है। मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसके कारण जो कि आपकी गेमिंग जो एक्सपीरियंस है वो बेटर होने वाली है, और फोन में आपको लैग होने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। और बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G के बारे में तो इसमें आपको कंपनी का जो इलाइट गेमिंग फीचर है वो दिया गया है जिसके कारण जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी बेटर होने वाली है, और जो ग्राफिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर आपको देखने को मिलेगा, और जो आपको ऑप्टिमाइजेशन है जो गेम का वो आपको बेटर देखने को मिलेगा। और स्पीड की बात करें तो स्नैपड्रैगन 730G 25% एक्स्ट्रा मटर स्पीड है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 730। तो ये जो चिपसेट है वो काफी मतलब पावरफुल चिपसेट है एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 730। तो गाइस बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको ड्यूल कैमरा सपोर्ट दिया गया है, मतलब 16+16 मेगापिक्सल का आप ड्यूल कैमरा यूज कर सकते हैं या फिर 48 मेगापिक्सल का आप सिंगल कैमरा यूज कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G के बारे में तो उसमें आप 22 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा यूज कर सकते हैं और 36 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा यूज कर सकते हैं। और मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको AI कैमरा एनहांसमेंट देखने को मिलता है, तो जिसके सपोर्ट के कारण आप जो बुके शॉट वो ले सकते हैं, ब्लर वाला जो फोटोज है उसको क्लिक कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो भी इसमें दिया गया है फीचर्स, और इसमें आपको गूगल लेंस का भी सपोर्ट दिया गया है। वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G के बारे में तो इसमें आपको 2x इमेज प्रोसेसिंग दिया गया है जिसके कारण जो है इमेज की जो क्लैरिटी है वो आपको बेटर देखने को मिलेगी, और जो प्रोसेसिंग है इमेज का वो आपको बेटर देखने को मिलेगा, ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। और जो मीडियाटेक हीलियो G85 वाला चिपसेट है वो फास्ट रिकॉर्डिंग करता है फुल HD में, वो भी 240 fps में, और इसमें आपको EIS और IIS मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन EIS इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला जो फीचर्स है वो इसमें दिया गया है। वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G के बारे में तो उसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता है, और स्लोमो वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p पे और 720p पे। और बाकी इसमें जो गेमिंग जो है वो बेटर आपको देखने को मिलेगी, और जो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको बेटर देखने को मिलेगी, और वीडियो स्टेबलाइजेशन जो फीचर्स है वो आपको स्नैपड्रैगन 730G में दिया गया है, तो आप जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो जो हिलता है वो नहीं हिलेगा उतना, मतलब पहले जितना हिलता था वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम उतना नहीं हिलेगा एज कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G85 में। तो मीडियाटेक हीलियो G85 में उतना जो आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपको स्नैपड्रैगन 730G में आपको जितना सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जितना जो है कंपनी उसको इंप्रूव किया। तो गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको फुल HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और वहीं स्नैपड्रैगन 730G में आपको QHD+ डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो कहीं ना कहीं मीडियाटेक को अपना जो G85 वाला चिपसेट है इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट देना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है 90Hz रिफ्रेश रेट। तो बाकी मुझे जितना लगता है कि रेडमी नोट 9 जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च होगा तो उसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 ये वाला जो गेमिंग चिपसेट है चीपेस्ट गेमिंग चिपसेट वो आपको दिया जा सकता है। इस चिपसेट के साथ कंपनी अपना जो Redmi Note 9 स्मार्टफोन है उसको इंडिया में लॉन्च कर सकती है, जिसमें आई थिंक मुझे जितना लगता है कि 90Hz रिफ्रेश रेट
दिया गया हो, मतलब दिया जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताओ। तो बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको ड्यूल 4G का कनेक्टिविटी दिया गया है, मतलब आप दोनों ही सिम में, फोन के दोनों सिम में ड्यूल 4G चला सकते हैं, ड्यूल 4G का कनेक्टिविटी दिया गया है। और इसमें जो कि आपको वाईफाई से जब LTE में आते हैं, मतलब आप अपना जो फोन वाईफाई पे चला रहे हैं, नेट वाईफाई पे चला रहे हैं और फिर अचानक LTE पे आ जाते हैं, तो जो वाईफाई से LTE में ट्रिग्ड होने का जो टाइम है वो 13 मिलीसेकंड लेता है, मतलब सेकंड का आधा हिस्सा पकड़िए आप, मतलब तुरंत वाईफाई से LTE में ट्रिग्ड हो जाएगा वो का उसका जो मतलब टाइम है उसको कंपनी ने इंप्रूव किया है और टाइम को घटा दिया है, जो कि आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और जो आपका जो कॉलिंग का जो फीचर्स है, मतलब जो कॉलिंग का जो रिस्पॉन्स है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा, आपके फोन से टावर की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन जो है वो आपको इंप्रूव किया गया है इस चिपसेट में। वहीं बात करते हैं आपको स्नैपड्रैगन 730G की, तो उसमें भी आपको ड्यूल 4G का सपोर्ट देखने को मिलेगा और जो वाईफाई से LTE में जो ट्रिग्ड हो जाता है उसका जो है वो 12 मिलीसेकंड लेता है, मतलब सेकंड का आधा हिस्सा से भी कम, 12 मिलीसेकंड है, जो कि आपको मीडियाटेक हीलियो G85 से काफी इंप्रूव किया गया है स्नैपड्रैगन 730G में। और ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है स्नैपड्रैगन 730G में और वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। वहीं आपको मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 और वाईफाई वर्जन 5 का सपोर्ट दिया गया है। और बाकी जो गेम खेलते टाइम, जब मीडियाटेक हीलियो G85 में जब आप जो चिपसेट है उसमें जब आप गेम खेलेंगे, तो जो आप गेम खेलते टाइम जो आपको कॉल आता है तो आपका जो डाटा है वो चल जाता है, तो उसको भी कंपनी ने इंप्रूव किया है। और जब आप गेम खेलेंगे तो कॉल आएगा तो आपका जो डाटा है वो खत्म नहीं होगा, वो आपका डाटा फिक्स रहेगा, इसको भी कंपनी ने इंप्रूव किया है। और देखते हुए इसमें भी कंपनी ने अपने जो कुछ नए नए फीचर्स दिए। तो गाइस मॉडम की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको 4G मॉडम दिया जाता है, वहीं एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 730G में आपको मॉडम X15 LTE मॉडम दिया जाता है, जिसमें आपको वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट दिया जाता है। और कंपनी का कहना है कि जो वाईफाई कॉलिंग है उसको कंपनी ने 20% और इंप्रूव किया है, तो आपको जो रिस्पॉन्स है कॉलिंग का वो आपको बेटर देखने को मिल जाता है। वहीं डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको डाउनलोडिंग 700 MBPS की स्पीड मिलती है और अपलोडिंग 150 MBPS की स्पीड मिलती है। वहीं स्नैपड्रैगन 730G में आपको डाउनलोडिंग 800 MBPS की स्पीड मिलती है और अपलोडिंग 150 MBPS की स्पीड मिलती है, तो स्पीड आपको बहुत ज्यादा मिलती है स्नैपड्रैगन 730G में। बट स्पीड जितना भी ज्यादा 400, 500, 150 MBPS हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, अपने को अगर 2 MBPS भी मिल जाए ना तो अपन खुश है भाई साहब, इतना स्पीड लेके क्या करेंगे जब 2 MBPS स्पीड में ही अपलोडिंग नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, तो 2 MBPS 3 MBPS भी मिल जाए अपने को तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल से जो लोग हैं वो 2 MBPS 3 MBPS ही चलाते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलाते हैं, तो ये जो है इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस बात करते हैं स्टोरेज की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है और 8GB रैम तक का स्टोरेज इसमें दिया गया है। और बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G की, तो उसमें भी आपको LPDDR4X रैम का ही सपोर्ट मिलता है और 8GB रैम तक का स्टोरेज वो ले सकते हैं, मतलब 8GB रैम तक का स्टोरेज उसमें दिया गया है। और बात करते हैं चार्जिंग की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 में आपको फास्ट चार्ज मिलता है और वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 730G की, तो उसमें जो क्वालकॉम का जो क्विक चार्ज 4+ का जो सपोर्ट है वो दिया गया है, तो जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होने वाली है, मतलब कंपनी का कहना है कि जो क्वालकॉम का जो क्विक चार्ज 4+ है ये आपको 50 मिनट में फुल चार्ज करके देगा 0 to 100, मतलब आपका फोन अगर 0 में है तो उसको 100 पहुंचने में 50 मिनट लगेगा और 50 मिनट में आपका जो फोन है वो फुल चार्ज हो जाएगा क्वालकॉम का ये जो क्विक चार्ज 4+ के साथ। तो बाकी इतना ही कंपैरिजन है और लास्ट में जो कंपैरिजन निकल के ये आ रही है कि कौन सा बेटर है, मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला चिपसेट है वो बेटर है कि स्नैपड्रैगन का जो 730G वाला चिपसेट है वो बेटर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मीडियाटेक जो है वो अपना जो प्रोसेसर है वो मिड रेंज में लेके आती है, मतलब जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G आपको 15,000 के अंदर में मिलेगा वहीं वाला जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का आपको 10,000 के अंदर में मिलेगा, तो मीडियाटेक कम रेंज में प्रोसेसर लेके आती है और पब्लिक बाकी जो कंपनी है मोबाइल कंपनी उनको प्रोवाइड करती है और मोबाइल कंपनी जो बाकी यूजर्स है उनको प्रोवाइड करती है। तो लास्ट में कंपैरिजन यही निकल के आता है कि मीडियाटेक का जो हीलियो G85 है ये एक चीपेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है 10,000 के अंदर में, अगर आपको परचेस करना है 10,000 के अंदर में तो मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला चिपसेट है वो बेटर है, लेकिन आपको 15,000 के अंदर में अगर कोई चिपसेट वाला जो फोन है बेटर प्रोसेसर वाला जो फोन है परचेस करना है तो आप स्नैपड्रैगन का जो 730G वाला प्रोसेसर है इस वाला प्रोसेसर का जो स्मार्टफोन है उसको परचेस कर सकते हैं। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि स्नैपड्रैगन जो है पहले से किंग है, किंग था और किंग रहेगा, उसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है सैमसंग को छोड़ के, सैमसंग और स्नैपड्रैगन ये दोनों ही अभी नंबर 1 पर टिकी है और मीडियाटेक अभी सेकंड पोजीशन पे है, तो मीडियाटेक को भी अभी अपना जो टेक्नोलॉजी उसको और इंप्रूव करना पड़ेगा स्नैपड्रैगन को टक्कर देने के लिए। तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि स्नैपड्रैगन का जो 730G वाला जो प्रोसेसर है वो अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है एज कंपेयर टू मीडियाटेक हीलियो G85, तो स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर है वो बेटर है। तो आपको अगर कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना होगा तो स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर है उस स्मार्टफोन परचेस कीजिएगा। तो बाकी गाइस आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगे और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी चैनल के ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगी और आपको नॉलेज और यूजफुल वीडियोस मिलता रहेगी और आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।